आई बी का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है आई की तरफ से ये जो भर्ती है ये आर आर वी मीन्स रीजनल रूरल बैंक में वैकेंसीज आ गई हैं और वैकेंसी काफी अच्छी आई है अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 8000 प्लस टोटल वैकेंसीज हैं सो so, इसमें फ्रेशर कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसीज है अगर हम बात करें इसमें असिस्टेंट मल्टीपर्पज जो पोस्ट रहती है उसके लिए इसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो इस पर सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं फाइव थाउजेंड प्लस वैकेंसीज ओवरऑल अगर देखें तो एट थाउजेंड आठ हजार प्लस टोटल वैकेंसीज आई हुई हैं बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए है मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज है नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है एंड इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से ही स्टार्ट हो गए हैं सो so, इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट जो बेसिक पॉइंट्स हैं सारे आपके इस वीडियो में क्लियर करूंगी भर्ती काफी अच्छी है और आप देख रहे हैं एक के बाद एक नोटिफिकेशन रिलीज किए जा रहे हैं और ये जो वैकेंसी है एट थाउजेंड सभी स्टेट्स में है ऑल इंडिया में भर्ती रहेगी आपके जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं जिस भी स्टेट से वहां के जो भी रीजनल बैंक है बैंक की लिस्ट भी नोटिफिकेशन प्रोवाइड की गई है किस किस बैंक में भर्ती की जा रही है आपने ग्रामीण बैंक का नेम सुना होगा आपके स्टेट में आपके नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट में ग्रामीण बैंक होगी उन्हीं बैंक्स में भर्ती आई हुई है ओके okay? सो so, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हों वीडियो को एंड तक देखेगा वीडियो अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आस्था वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब चेन नोटिफिकेशन सो so, ये रहा इसका नोटिफिकेशन जो कि आई बी पी एस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है सी आर पी आर ट्वेल्व ओके okay, अब इसकी ऑफिशियल साइट ये रही इस ऑफिशियल साइट से आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे तो so चलिए हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड पोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे हम देख लेते हैं एंड नोटिफिकेशन में जब आप आएंगे ना तो यहाँ पर भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक मिल जाएगी नोटिफिकेशन में तो आप डायरेक्ट इन लिंक्स पर क्लिक करके जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट पर अप्लाई कर सकेंगे अदरवाइज आप आई की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर भी आपको ऑनलाइन अप्लाई की लिंक मिल जाएगी ओके, okay? so, चलिए हम इसमें देख लेते हैं जो वैकेंसीज आई हुई हैं किस किस पोस्ट के लिए हैं। तो ये जो वैकेंसी आई हुई हैं द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर आर ये जो वैकेंसी है ग्रुप ए की पोस्ट रहेगी इसमें जिसमें कि स्केल वन टू एंड थ्री ये ग्रुप ए के अंतर्गत आएंगी एंड ग्रुप बी की पोस्ट है जो कि ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट ये जो पोस्ट रहेगी इसके लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज है फाइव थाउजेंड प्लस वैकेंसीज है एंड फ्रेशर कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं सो so, आप अगर चाहें तो इस पोस्ट के लिए क्योंकि जो ऑफिसर्स स्केल सेकेंड एंड थर्ड है आई थिंक इन पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है आगे मैं आपको बता दूंगी कन्फर्म एंड जो असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है इस पर कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है ओके okay? ये मैंने आपको स्टार्टिंग इस में इसलिए बताया कि बाद में अगर आपको लगता है कि आपने पहले एक्सपीरियंस का नहीं बताया तो मैंने क्लियर कर दिया किस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और किसके लिए नहीं चलिए अब यहां पर हम देखेंगे यहां पर उन्होंने स्टार्टिंग में ही बताया है सिलेक्शन प्रोसीजर तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो टू टीयर में होगा यानी प्री एग्जामिनेशन होगा मेन्स एग्जामिनेशन होगा जो ऑफिस आसे, असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोस्ट है इसके लिए इंटरव्यू नहीं होगा ओके एंड स्केल वन एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये टू टेयर में एग्जामिनेशन इनका रहेगा इसके अलावा जो अदर पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट क्वालिफाइंग इन प्री एग्जामिनेशन एंड शॉर्ट लिस्टेड टू बी एपियर फॉर मेंस एग्जामिनेशन एंड इनकी मेरिट तैयार की जाएगी मेंस के बेस पर फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिशियर स्केल वन कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई इन प्री उसको मेन्स एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा मेन्स एग्जाम के बाद आपको कॉमन इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा सो so, इस पोस्ट के लिए आपको इंटरव्यू देना होगा ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होगा क्योंकि यहां पर टीयर वन एंड टीयर टू पर ही दिया गया है एंड जो बाकी की पोस्ट है ऑफिसर स्केल सेकंड एंड थर्ड इनके लिए प्री एग्जाम नहीं होगा सिर्फ इनका एक ही एग्जाम होगा ओके सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होगा उसको आप क्लियर करते हैं तो डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा ओके, okay? so, ये आपका यहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर है किस पोस्ट के लिए क्या सिलेक्शन रखा गया है साथ ही मैं यहां में आपको बता दूं कि अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं लेकिन अगर आप सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं आप सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट के साथ में अगर आप जो ग्रुप ए की पोस्ट है 1, 2, 3, इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी आप अप्लाई, 1, 2, 3, आप सिर्फ एक को ही अप्लाई करेंगे ओके सो so यहाँ पर नोटिफिकेशन में किया गया है कि एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जो ग्रुप ए की पोस्ट है वहां पर सिर्फ आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे एंड यहाँ पर आर आर वीज की यानी जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड की गई है आप अपने स्टेट में देख सकते हैं कौन कौन से बैंक्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इन्हीं बैंक्स में आपकी पोस्टिंग रहेगी अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी आपको मल्टीपर्पज पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए बताया वो यहाँ पर मैंशन किया गया है अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज एंड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स मल्टीपर्पज जो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की इसके साथ में अगर आप चाहें तो जो स्केल वन टू या जो ऑफिसर पोस्ट है ग्रुप ए की उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं बट कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट इन ऑफिसर्स लेकिन अगर आप चाहें कि ऑफिसर्स में ही स्केल वन को भी अप्लाई कर दे और 2 को भी अप्लाई कर दें तो नहीं कर पाएंगे वहां सिर्फ आप एक को ही अप्लाई करेंगे ठीक है क्लियर हुआ एलिजिबिलिटी देखेंगे तो इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो क्योंकि सभी स्टेट्स में भर्ती हो रही है एज यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी एक जून दो हजार तेईस के बेस पर एज काउंट की जाएगी अब जो ऑफिसर स्केल थर्ड की पोस्ट है इसके लिए मिनिमम ट्वेंटी वन और मैक्सिमम फोर्टी ईयर रखी गई है कैंडिडेट्स उड नॉटी नॉट और यहाँ पर बर्थ डेट भी दिया गया है सो तो आप बर्थ डेट भी चेक कर लीजिएगा मैनेजर के लिए भी 21 से 32 साल एज है स्केल वन एंड असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है इसके लिए आपका आ, 18 से 30 साल एज है यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है आई थिंक एंड ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज इसके लिए 18 से 28 साल एज है और बर्थ डेट आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा अगर इस पीरियड में या इस डेट में आपका बर्थ डेट इसके बीच आता है अब ये जो अभी हमने एज देखी है वो जनरल कैटेगरीज़ के कैंडिडेट के लिए है रिजर्व कैटेगरीज़ के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया गया है एससी एसटी को फाइव इयर्स का ओबीसी को थ्री इयर्स का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यहां पर टेन इयर्स का एक्स सर्विसमैन को भी मिल जाएगा एंड अदर कैटेगरीज़ भी दी गई हैं आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप यहां पर देख लीजिएगा जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 28 एंड 18 से ये मल्टीपर्पज एंड असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए हम बात कर रहे हैं बाकी की की जो है वो क्योंकि वहां पर पर है है तो age limit भी ज्यादा चलिए अब यहां पर हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है तो इसमें सबसे पहले जो पोस्ट दी गई है वो है ऑफिस असिस्टेंटी मल्टीपर्पज पोस्ट यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है ठीक है एंड इसमें बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे इसमें आपको जिस भी स्टेट से या सर्कल से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए प्रोफिसियंसी इन लोकल लैंग्वेज ओके जैसे अगर आप एम में हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए ठीक है जहाँ भी जिस भी सर्कल से या जॉन से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है वो आपको आनी चाहिए

प्रफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा जिन्होंने एग्रीकल्चर में किया है हॉर्टिकल्चर में किया है फॉरेस्ट्री में किया है एनिमल हजबेंड्री में किया है वेटनरी साइंस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट लॉ इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी इनको यहाँ पर प्रिफ्रेंस दिया जाएगा लेकिन अप्लाई कोई भी हो जिसने भी किसी भी डिसिप्लिन में आपने किया हो अप्लाई आप कर पाएंगे अगेन यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है ये दोनों ही पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है फ्रेशर कैंडिडेट और इन दोनों ही पोस्ट की अकेली अगर हम बात करें तो 8000 प्लस टोटल वैकेंसीज टोटल जो वैकेंसीज हैं उनमें से 5000 और 2000 प्लस प्लसिस इन्हीं की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इन दोनों पोस्ट के लिए हैं सो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी भर्ती है इसके बाद जो अदर पोस्ट है वहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है सो वो उसकी हम अभी बात नहीं करेंगे अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा अब यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी तो एप्लीकेशन फीस आपको पोस्ट के हिसाब से रहेगी ठीक है एप्लीकेशन फ़ीस इंटीमेशन चार्जेस ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम एक जून से इक्कीस जून एक जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं इक्कीस जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे ऑफिसर स्केल वन टू थ्री अगर आप इन ऑफिसर्स पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो एक जो आ, एप्लीकेशन फीस है 175 ये कैंडिडेट के लिए है अगर आप इन कैटेगरी को छोड़ करके अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 850 एप्लीकेशन फीस यहाँ पर पे करनी होगी अगर आप ये ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं वहीं अगर आप ऑफिस असिस्टेंट असिस्टेंट एंड मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर भी आपकी सेम यहाँ पर फीस रहेगी और ये या एक्स सर्विस के लिए भी है ठीक है सो so, यहाँ पर हमने ये देखा ऑनलाइन आपको पे करना है एग्जामिनेशन प्री एग्जामिनेशन रहेगा हमने प्रोसेस तो सभी देख ली है स्टेप बाई स्टेप किस पोस्ट के लिए क्या रहेगा सो so यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन uh, के बारे में बताया गया है प्री एग्जामिनेशन कैसे होगा तो ऑफिसर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे 80 क्वेश्चन एटी मार्क्स के रहेंगे फोर्टी मिनट्स का टाइमिंग यहाँ पर आपको दिया जाएगा ऑफिसर स्केल वन के लिए भी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा 80 80 क्वेश्चंस आएंगे 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के आएंगे एंड 45 मिनट की टाइमिंग इसमें भी आपको दी जाएगी इसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा मेंस एग्जाम में आपका रीजनिंग कंप्यूटर नॉलेज जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन किए जाएंगे टू क्वेश्चन टू मार्क्स के टू आवर्स का टाइमिंग रहेगा ऑफिसर स्केल वन के लिए रीजनिंग कंप्यूटर नॉलेज जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे टू आवर्स का इसमें भी टाइमिंग और इसमें हिंदी लैंग्वेज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहां पर भी 200 हंड्रेड क्वेश्चन टू मार्क्स एंड टू आवर्स की टाइमिंग रहेगी ओके सो ये हमने यहां पर देख लिया है इसके बाद हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये दिए गए हैं ऑफिसर लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन मीन्स आप जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं जिस सर्कल से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर आप किस किस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं वो यहां पर मैंशन की गई है सो so, आप जिस भी जोन से बिलोंग करते हैं जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं देख लीजिएगा जैसे अगर हम यहां बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में आप हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम दे सकेंगे गुजरात में आप हिंदी इंग्लिश गुजराती में दे सकेंगे हरियाणा में हिंदी और इंग्लिश में रहेगा हिमाचल में भी हिंदी और इंग्लिश में ही रहेगा जम्मू एंड कश्मीर में हिंदी इंग्लिश उर्दू तीनों में रहेंगे। तो आप जिस भी स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर आप अपनी देख डेट तो रहेगी कॉल लेटर जो प्री एग्जामिनेशन के लिए आप 10 जुलाई से डाउनलोड कर सकेंगे कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग तो ये सत्रह जुलाई से बाईस जुलाई तक आपका कंडक्ट किया जाएगा प्री एग्जाम होगा मेन्स एग्जाम जो डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिमिनरी ये जुलाई और अगस्त में होगा ठीक है जुलाई या फिर अगस्त में रहेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री ये अगस्त में प्री 2023 में हो सकता है एंड रिजल्ट प्री एग्जामिनेशन का आपका सितंबर 2023 में हो सकता है सो ये आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट है डाउनलोड मेंस एग्जाम आपका सितंबर में हो सकता है सितंबर में आप डाउनलोड कर सकेंगे कॉल लेटर एंड यहाँ पर आपका स्केल वन स्केल टू पूरा डेट यहाँ पर दी गई है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से देख लीजिएगा साथ में यहाँ पर वैकेंसी डिटेल दी गई है अब यहाँ आप वैकेंसी डिटेल देख लीजिएगा किस स्टेट में आ, कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं ये जो वैकेंसी है यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की फाइव थाउजेंड प्लस वैकेंसीज हैं यहाँ पर सेकंड जो वैकेंसी है पोस्ट है यहाँ पर ऑफिस ऑफिसर स्केल फर्स्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर की तो ये अलग अलग है आप इसको देख लीजिएगा वैकेंसीज ओके काफी अच्छी भर्ती आई है गवर्नमेंट जॉब है परमानेंट जॉब है एंड इसमें प्रोविशन पीरियड भी रहता है उसको अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी स्थाई भर्ती हो जाती है सो so, इसमें अप्लाई करने से पहले एक बार इसकी ऑफिशियल साइट दी गई है आप यहाँ पर देख रहे हैं इस पर जाकर के एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा थैंक यू